कि कई सांसद विधायक ऐसे हैं जिन पर एक से ज्यादा मामले तक दर्ज हैं और यूपी इसमें नंबर एक पर है। ये क्यों ना कहा जाए कि आखिरकार क्या सियासतदानों के लिए दाग अच्छे हैं। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लखे मिश्रा साहब जो हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ। सभी मेहमानों का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस कार्यक्रम की करें, लेकिन ये आंकड़े एके मिश्रा साहब शुरुआत आपसे करना चाहेंगे हम कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, सियासत में दागी मजबूरी है या जरूरी है खास तौर पर यूपी के संदर्भ में। नहीं चावला जी, आपके आंकड़े एकदम सही हैं और आगे हम और भी डिटेल आंकड़ों पे डिस्कस करेंगे कि कंट्री लेवल पे क्या है। ये कंडीशन कुछ ऐसी ही होती जा रही है कि आज की डेट में अगर हम वाइडर लेवल पे देखें तो वन थर्ड एक छोटी मोटी मतलब संख्या नहीं होती है, हमारे नेता लोग इन दागी कैटेगरी में आते हैं जिनके ऊपर सीरियस केसेस हैं या किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। अब सवाल ये है कि ये लोग नीति नियंता होते हैं, देश के टॉर्च बियरर होते हैं। जब वन थर्ड संसद या वन थर्ड कोई जो है नेताओं की पूरी टोली अगर इस कैटेगरी में चली जाए और वो ऐसी जगहों पे, इतने इंपॉर्टेंट जगहों पे पहुंच जाए, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देश की बागडोर हमने किन लोगों के हाथों में दे दी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि कालांतर में हमें ये देखने को मिला है, अब ऐसी मजबूरी बनती जा रही है कि स्वच्छ प्रकृति के लोग, स्वच्छ प्रवृत्ति के लोग राजनीति में है नहीं या आते ही नहीं है। तो जनता भी यहाँ पे मजबूर होती है कि जो खड़े हैं वो सारे के सारे बाहुबली हैं। कई इलेक्शंस में तो ऐसा होता है कि अपोजिशन वाले जितने कैंडिडेट खड़े हैं, अपोजिशन को हो रूलिंग पार्टी के हो, सारे के सारे बाहुबली हैं। तो जनता चुने भी तो किसको चुने, और इसका कोई एक मतलब इफेक्टिव सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि नियम को कौन बदलेगा। आगे हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इफर्ट लिए, इलेक्शन कमीशन ने लिए, इन नियमों को कौन बदले, सफाई कौन करे। ये दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल वगैरह से, वॉशिंग पाउडर से तो धुल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दाग जो है नेताओं के लिए केवल अच्छे हैं, देश के लिए ये बहुत बुरे दाग है, बहुत बुरा ये धब्बा है देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इमेज के लिए, और इसको बहुत सीरियस वे में सब लोगों को एड्रेस करना चाहिए। आज की तारीख में भी मेरे ऊपर 323-504 का मुकदमा भी नहीं है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, होने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। सर आप जैसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। एक सेकंड सर। ये दूसरी बात है, आप संख्या कम अधिक की बात मत करिए, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि स्वच्छ चरित्र के लोगों के लिए राजनीति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर आज की तारीख में 323-504 का भी कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे चरित्र के लोग, अच्छे विचार के लोग, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है उस पर आइए ना त्रिपाठी साहब। हाँ अच्छा, जिनके ऊपर दर्ज है, अब उसमें देखना है कि वो दर्ज मुकदमे क्या राजनीतिक कारणों से है, क्या उनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये सारी चीजों का अवलोकन करने से पहले आप नहीं कर सकते। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे सर, एक सेकंड त्रिपाठी जी, और अधिकारीगण हमारे ऊपर मुकदमे लिखा देते हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात समझ गया, आपने कहा कि पक्का, आपने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया था कि पक्के अपराधी हैं, कच्चे अपराधी हैं, यही कहा था ना आपने। एक सेकंड सर, एक छोटा, ये बिल्कुल त्रिपाठी साहब, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जी हाँ, दाग अच्छे हैं, सवाल यही खड़ा होता है। ब्रेक से पहले हमारे सभी जो मेहमान हैं उनसे हम चर्चा शुरू कर रहे थे, कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ा, लेकिन यहां पर त्रिपाठी साहब आपकी बात मैं पूरी तरह से समझना चाहूंगा, जो आपने कच्चे और पक्के अपराधी बताया मुझे, एक बार फिर से आप मुझे समझाएंगे क्या कहना चाह रहे थे आप। मुख्य विषय यह है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो सही है, सच है कि नहीं है। अच्छा, जैसे अगर किसी कार्यालय में मैं गया किसी काम से और किसी अधिकारी ने द्वेष बस मेरे ऊपर मुकदमा लिखा दिया, मैं गया अपने अपने मतदाता के लिए न्याय मांगने के लिए, तो आप मेरे ऊपर मुकदमे लिखा दिए। अच्छा, ये सब इस तरह के राजनीतिक मुकदमे होते हैं। अच्छा, या हम अपनी जन समस्याओं को लेके कहीं, अगर ये बताइए, राजनीतिक लोग अगर जन समस्याओं को लेके अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। अच्छा सर, एक बात त्रिपाठी जी, आपसे आपने आपने कहा ना, नहीं, हकूक की लड़ाई है सर, हक हकूक की लड़ाई हम सब समझ रहे हैं सर, राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं, आपराधिक मुकदमे अलग होते हैं क्या? नहीं, आपराधिक मुकदमे हमने किसी की हत्या कर दिया, किसी द्वेष, कोई बलात्कार कर दिया, कोई ऐसी घटना हो, उसको डिमार्केट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, उसको चिन्हित करा लीजिए। अच्छा, कि वो इन किन राजनेताओं के ऊपर कौन से राजनीतिक मुकदमे हैं और कौन से उनके व्यक्तिगत मुकदमे हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई हत्या की गई, कोई बात ऐसी कर, नहीं, राजनीतिक मुकदमे अलग हो गए और आपराधिक मुकदमे अलग हो गए, आप ये कह रहे हैं।
कुल मिलाकर यही कहानी है। आपराधिक मुकदमे अलग हो और आपराधिक आपराधिक मुकदमे किसकी सरकार में और कौन सी पार्टी में ज्यादा दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि ये नेता ज्यादा दागदार है कौन सी पार्टी में? अभी पिछली सरकार में तो आपराधिक मुकदमे ज्यादा हुए। अच्छा, और खासतौर से भ्रष्टाचार के मुकदमे ज्यादा हुए। अच्छा, उनके दाग ज्यादा गाढ़े हैं आपके कम है? नहीं, हमारे गाढ़े कम की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बता दीजिए 11 महीने के अंदर हमारे किसी भी विधायक और मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया हो? सर, भ्रष्टाचार के इतर भी मुकदमे होते हैं। सर, आपके 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 यहाँ नहीं नहीं सर, स्वच्छ राजनीति का जिक्र किया था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पहले भाषण में स्वच्छ राजनीति का जिक्र था। मैं इसके साथ एक और उदाहरण दिया था कि आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि जितने अच्छे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, आप उनको तुलना कर लीजिए बाकी दलों के विधायकों से। सर, 248 जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज है, आप सोचिए ये राजनीतिक मुकदमा और आपराधिक। सर, एक सेकंड, ये दो चीज डिमार्केट हो जाए कि राजनीतिक मुकदमे और आपराधिक मुकदमे। ठीक है, मैंने इसलिए इस कार्यक्रम में पूर्व जज साहब को भी आमंत्रित किया तो वो साफ तौर पर इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे, तब उन्हीं से मैं ये सवाल पूछूंगा। ठीक है सर, जरा मेरे को सपा के पास जाने दीजिए। जी, मेरे आवाज पहुंची शुक्ला जी आप तक? जी सर, 2012 का जिक्र करें, डीपी यादव को आप लोगों ने बाहर निकाला, सपा की सरकार बन गई। जी जी, याद आया सर? आप मुझसे बात कर रहे हैं ना? जी चावला साहब, नहीं शुक्ला साहब, मैं सर आपके पास आऊंगा, मैं सर त्यागी जी आपके पास आऊंगा, शुक्ला जी से मैं पूछ रहा था, मैंने डीपी यादव का जिक्र किया सर 2012, याद आया आपको? तिलक जी, जिस भारतीय जनता पार्टी जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे, जिस दल के मुखिया ही दागदार हूँ, जिस दल के मुखिया के ऊपर ही आपराधिक मुकदमे 307 और 302 की धारा के तहत दर्ज किए गए हों, वो कच्चे और पक्के दाग की बात करते हैं, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय अपराध संख्या भी खोल दे, 302 की जनता पार्टी, 302 की अपराध संख्या ही बता दे, बताने का काम कर रही है। त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम का एक नियम है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगली बार मैं कृपया करके आपसे ये बात नहीं करूंगा क्योंकि कार्यक्रम का वक्त खराब होता है। आप जिसकी बारी है आप उसको बोलने दीजिए, अगर आपके बीच में कोई नहीं बोला, मेरी आपसे अपील है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप आराम से इन बातों को समझ लीजिए, जिसका नंबर आएगा वही बोलेगा। आप अपनी बात रखिए शुक्ला साहब। मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, अपने साथी माननीय विधायक जी भी इस बात को ठीक है, मैं वो विषय रख रहे थे, मैं उस पर नहीं बोल रहा था, मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग भी चैनल माध्यम से दिखाते हो, मेरा कहना था कि जिस प्रदेश के मुखिया के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो 307 और 302 की धाराओं में, उसके प्रतिनिधि इस बात को कहें कि हमारे कच्चे दाग और पक्के दाग, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। रही बात भ्रष्टाचार की, तो अभी आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखने का काम किया है कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से कितनी बैंकों का पैसा लेके और कैसे लोग चले जा रहे हैं। शुक्ला साहब मुद्दे पर आइए ना, शुक्ला साहब मुद्दे पर आइए ना, एक सेकंड, एक सेकंड त्रिपाठी जी मैं पूछ रहा हूँ ना, एक सेकंड सर, अब तो और त्रिपाठी जी प्लीज शुक्ला जी सुन लीजिए, तो मैं काउंटर करूंगा, एक सेकंड सर, आप काउंटर करेंगे, एक मिनट सवाल, सीधी सी बात, एक सेकंड शुक्ला साहब, यानी आप लोग साधु हैं और दूसरे राजनीतिक दल वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो डकैत है, वो हत्यारे हैं। अपने एक भी बयान में कताई है नहीं कहा मैं साधु हूँ, मैं तो फिर बात कह रहा हूँ, जो कच्चे और पक्के दाग की बात कर रहे हैं, वो परिभाषा तो आप पर भी लागू होती है, काम करें कि जिनके जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है, तो ये कैसे वो क्लियर करेंगे कच्चे दाग के तहत? सर मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ शुक्ला साहब, नहीं समझ पाया शुक्ला साहब, मैं आपको बताता हूँ, याद करिए, चढ़ो गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर,
जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी, सपा का नारा जो खाली प्लॉट वो हमारा, ये नारे दिए गए आपकी पार्टी के लिए, याद है आपको? ये सभी नहीं, नारे किसने दिए? ये आप ए, 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 आपकी अपनी नारे ये नारे उसी पार्टी ने दिए जिसके हाथी पर आप सवार हो गए। हमेशा विकास की नीत पर चली है, विकास की नीत पर सर। ये नारे उसी पार्टी ने दिए जिसके जिसके हाथी पर आप सवार हुए। समाजवादी ने कभी ऐसे नारे नहीं दिए सर। मैंने समाजवादी का जिक्र ही नहीं किया, मैं तो उस पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ जिसने आपकी पहचान गुंडा सरकार के तौर पर की, माफिया सरकार के तौर पर की, जिसने बताया कि सपा का नारा जो खाली प्लॉट वो हमारा। पार्टी को राम को गाली देने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के में आज भी शामिल हो गए सर। अभी अभी आता हूँ ना सर उस पर भी, भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है शुक्ला साहब, जरा यादाश्त पर जोर डालिएगा, फिर उसी पर आ रहा हूं मैं। ठीक है सर, एक मिनट जरा। मैंने इस कार्यक्रम में खास तौर पर जो है नकवी साहब को इसलिए बुलाया ताकि हम चीजों को गहराई से समझ पाएं। सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, ये बार बार कह रहे हैं आपराधिक मुकदमे राजनीतिक मुकदमे, इसको परिभाषित किया जा सकता है? जो ये आंकड़े सामने आया हमारे, कानून की नजर में तो सब एक बराबर है, आईपीसी तो सबके लिए एक है सर। देखिए चावला साहब, जो आप आज मुद्दा है, जो आज सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको जरा वाइडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना होगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर तीन चीजों की बड़ी अहमियत है, झंडा, डंडा और गुंडा। कि अगर जिसके साथ ये है तो वो बड़ा इफेक्टिव इलेक्शन करता है, और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, इसके अंदर समाज ही जिम्मेदार है। आज का समाज, आज का वोटर ही चाहता है लोग उसके आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए, बहुत से लोग साथ हों और वो जिसका सपोर्ट करे उससे उसका भी मनोबल बढ़े। इसलिए समाज जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो ऐसे लोगों को वोट क्यों देता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे आजाद नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का रिकॉर्ड सबसे बेटर है। अब हमारे एमएलए साहब बराबर डिफेंड कर रहे थे, अब वो कैसे डिफेंड कर रहे थे भाई? ये उनकी मोरल करेज, जो उनकी मैं दाद दूंगा कि जिस पार्टी के मुखिया जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उन पे भी क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन अगर हम क्रिमिनल केसेस को और पॉलिटिकल केसेस को कैटेगराइज करें तो हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल केसेस वो होते हैं कि अगर कोई मूवमेंट चला, कहीं कोई पब्लिक कॉज के लिए अगर नेता लड़ रहा है, उसमें अगर केस लगा होगा तो वो पॉलिटिकल केस कहलाएगा। लेकिन अगर उसने पर्सनल नीड के लिए, उसने अपने मकसद के लिए, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए अगर उसने कत्ल कराए या उसने और हरकतें की तो वो गलत है। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा अपनी पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए कहूंगा कि एमएलए फंसा 376 बांदा का, उसको जेल भेजा हमारी सरकार ने। उसके बाद इटावा के एक मामले में एक एमएलए साहब का मर्डर हुआ, उसमें भी वो जेल में रहे, मुकदमा चला। उमाकांत जो माफिया थे, उनको अपने यहाँ कोठी से हमारी बहन मायावती ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, रिकॉर्ड गिरफ्तार करा दिया, तो बेटर रिकॉर्ड है। लेकिन मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा कि नहीं साहब हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन सर, ये इलेक्शन समाज को बदलना होगा। अरिस्टोटल ने कहा था कि आज से कई हजार साल पहले कि डेमोक्रेसी इज इनफैक्ट अ मॉबोक्रेसी। ये एक एब्रेशन है, ये हमारा एब्रेशन है जिसको हमें समझना होगा और ख्याल करना होगा। जी सर, मैं आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल चीजों को समझ लूं ताकि दर्शक भी समझ लें। मैं आपसे बतौर पूर्व जज बात करूं या बतौर बीएसपी के नजरिए से मैं आपसे बात करूं? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। जैसे बात करिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 आप बतौर जज ही बात करिए, बतौर पूर्व जज बात करें। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली चीजों को कहना चाहूंगा। ठीक है सर। सर मैंने इसलिए आपसे इसलिए बात पूछी थी कि राजनीतिक और आपराधिक जिस नजरिए का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, तो यानी हम ये मान लेना कि इनको दो अलग अलग चीजों से हम बांट लें, जैसे कि यहाँ पर त्रिपाठी साहब ने कहा। हम सब जिम्मेदार हैं। जी जी, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा एकदम के बीएसपी के अंदर चीजें सही हैं। जी सर, परिभाषित किया जा सकता है ये राजनीतिक अपराध है? देखिए ये परिभाषा बड़ी आसान नहीं हो सकती, ये तो इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल चीजें थी या इसको क्रिमिनल थी। ये दोनों मिक्स्ड है आपस में। नहीं, मैंने इसलिए बात की ना सर, चीजों को अलग कर देना। सर मैं तो इतना ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ जितना आप सब हैं। एक 120 भी लगती है और 307 भी लगती है, तो फिर उसकी श्रेणी क्या होती है? और सबके लिए आईपीसी एक बराबर है और उसमें भी जो है सजा का प्रावधान है, और फिर उसमें हम कहें कि ये राजनीतिक नजरिए से लगाई गई है, तो फिर उसमें भी सवाल खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड सैफ खान, जब किसी पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश तड़ी पार होता है, त्रिपाठी जी व्यक्तिगत मत लीजिएगा,
और किसी एक पार्टी का अध्यक्ष जमानत पर रिहा होता है तो फिर क्या ये भी राजनीतिक मुकदमे कहे जाएंगे, जबकि आईपीसी सबकी एक बराबर नहीं, बिल्कुल सबके लिए सैफ का बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड सैफ का, आपके साथ फिर इंडिया वॉइस के ऊपर मौका मिला। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि इस पे समीक्षा करनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी। आज जो नंबर ऑफ परसेंटेज जो 1765 आउट ऑफ 4896 पार्लियामेंट के हम बात करें जिसपे क्रिमिनल केसेस हुए, ये एक्चुअली रेशियो हमारे देश में अब बढ़ता जा रहा है क्रिमिनल केसेस का, हम चाहे सांसदों की बात करें या विधायकों की बात करें। मैं सिर्फ स्पेशली ये नहीं करूँगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सिर्फ इसी सूची में इस कैटेगरीज में जो है सभी आते हैं लोग, मगर सीरियस ऑफेंसेस की अगर हम बात करें, अगर हम उसकी बात करें तो 77% जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट से अगर हम की बात करते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। और क्रिमिनल केसेस ऐसे भी नहीं, बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें रेप है, अब्डक्शन है, मर्डर है, बहुत सारे ऐसे केसेस की हम बात कर रहे हैं। मैं अगर कैबिनेट की बात करूं, यहां 44 आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें से 13 के ऊपर ऐसे ही सीरियस चार्जेस हैं। नाउ डिपेंड तो ये करता है कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं, मगर ऑफेंसेस क्या क्या हैं ये भी डिपेंड करता है। ये जज साहब हमारे साथ में हैं, ये बिल्कुल इसके ऊपर और समीक्षा कर सकते हैं। मैं अगर पिछली इसके ऊपर आ जाऊं, पिछले और लोकसभा के इलेक्शन के ऊपर आऊं, क्योंकि 16 लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 82% MPs के ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस जो है वो फाइल हुए हैं। हम अगर 2009 की बात करें तो 30% जो थे, 30% लोकसभा में जो MPs थे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, यानी वो काफी कम था। 2004 की अगर बात करें तो 24% था, यानी और कम था। सैफ खान, ये देख सकते हैं कि क्रिमिनल के चार्जेस जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सैफ खान जी, आप मुझे बता सकते हैं यूपीए सरकार में वो कौन सी मजबूरी थी जहां पर दागी नेताओं को मंत्री तक बनाया गया था? देखिए, आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं जहां हम अभी इस वक्त प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, नहीं इतिहास जरूरी है साहब, नहीं इतिहास बिल्कुल नहीं, तभी आप अध्यादेश लाकर चीजों को बदल सकते थे। मैंने आप सत्ता में थे, आप बदल सकते थे चीजों को। आपको 2004 के इतिहास से शुरुआत सर, आपके आंकड़े इसलिए कम होते हैं क्योंकि आप लोगों की संख्या कम है। अभी मैं मेंबर, मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर सकते हैं जो 2010 में अमित शाह जेल में रहे थे 3 महीने मर्डर केस के सिलसिले में। हम योगी जी की क्यों नहीं बात करें जिनपे 3 मर्डर केसेस हैं? सर हम उनकी भी बात कर सकते हैं जो 50,000 के बॉन्ड पर जमानत पर बाहर छूटे हैं। सर हाँ, आप बॉन्ड के ऊपर अगर वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने नकवी साहब से पूछा, आप सर मैंने तभी नकवी साहब से पूछा कि हम किस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित यानी आपके दांत हैं, आपके दांत उच्च न्यायालय आपके दांत विरोधियों पर ज्यादा गाड़े या कोर्ट को इसको फैसला लेना चाहिए और डिसीजन के बाद जो है इसको जजमेंट जो है इसको बिल्कुल वाइजिबल कर सकते हैं कि उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थी या क्रिमिनल चार्जेस जो है वो एक्चुअली फ्रेम थे। नहीं नहीं, मैं बाहर के एग्जांपल दूंगा, मैं इस वक्त नहीं, आप एग्जांपल बाद में दीजिएगा, मैं ठीक मुझे ब्रेक लेना जल्दी से मौजूदा और एग्जांपल जो साथ में लेके चलता हूं। 1581 MPs और MLAs जो हैं इस वक्त उनके ऊपर केसेस रजिस्टर हैं अगेंस्ट वेमेन, यानी रेप, अब्डक्शन, ऐसी केसेस जो है सीरियस चार्जेस जो है वो फ्रेम थे। इनके सिलसिले में भी ज्यादा बात होनी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई और कड़वी सच्चाई ये है कि एक्चुअली जनता जो है चुनती भी उनको है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ज्यादा रजिस्टर। सर टिकट भी तो आप उन्हीं को देते हैं, आया है सर टिकट भी तो आप सैफ खान उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को टिकट देंगे तो जनता उन्हीं को चुनेगी ना। हम तो साहब सबसे कम वाले, जिनको सबकी परिभाषा अलग है, सबकी परिभाषा अलग है, सदन के भीतर जिस पर आरोप लगाते हैं अगले एक दिन दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं जो है, तब भी साफ छवि के ऊपर जो है यकीन ठीक है, और ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है हम जो है काम करते आ रहे हैं और लोगों को रोकते आ रहे हैं ठीक के ऊपर। एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं सर का, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, ठीक है ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, हो गया हो गया हो गया सर हो गया, आप सभी से मैंने राय ले ली ठीक है। सैफ का, सैफ का मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जो है नजरिए से चीजों को हमें समझा रहे हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, जो फेसबुक पर आ रहे कमेंट हैं उसका जिक्र भी यहां पर जरूरी है। रमेश गुप्ता साहब लिखते हैं कि यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरे का मतलब यही है जो बड़ा दागी नेता है। हर्ष मिश्रा लिखते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा तो ये सपा वाले ही है, ये बात मायावती ने कही थी। अंजनी शर्मा लिखती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहने वाले भी तो गुंडों के सरदार हैं। जयसिंह यादव लिखते हैं कि सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहेंगे ये सारे जनाब, नेताओं की जुल्म की लिस्ट बहुत लंबी है,
यहां कहां तक गिनते रहोगे, सुमित यादव ही लिखते हैं। ये फेसबुक पर आए कमेंट का जिक्र कर रहे थे। हम सपा के पास ही रुख करना चाहेंगे। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। शुक्ला साहब, मुख्तार अंसारी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट राय रखी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे डीपी यादव हो, अगर मेरे नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक भी मुकदमा हो, ऐसा कोई साफ सुथरा नेता हो तो बताने का काम करें विपक्ष के लोग। सर, मैंने आपसे पूछा कि आपकी पार्टी की राय क्या है मुख्तार अंसारी को लेकर। बिल्कुल, कोई भी अपराधी हो, अपराधी के साथ अपराधी जैसा सलूक करना चाहिए, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो। अच्छा, सबके साथ जो अपराधी है, जिसके ऊपर अपराधी मुकदमा है, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक करना चाहिए। तो वो कौन सी मजबूरी थी चाचा जान के सामने, जो पार्टी में विलय करवाने की कोशिश कर रहे थे? क्या मजबूरी थी चाचा जान के सामने? मैंने कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय और हम लोगों की बात एक है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेते हैं उसकी बात करिए। अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पार्टी के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर एक भी मुकदमा, मुख्तार अंसारी को लेकर, तभी मैंने आपके पूछा कि आप लोगों की राय क्या है, तभी मैंने इसका एक उदाहरण दिया आपके सामने। मैंने कमेंट किया, मैंने भी बताया आपको कि जो भी व्यक्ति अपराधी है उसके साथ अपराधी जैसा सलूक करना चाहिए। तो चाचा जान को नहीं समझाया था आप लोगों ने कि अपराधी कौन होता है, या वो भूल गए थे कि गलती हो जाती है लड़कों से जवानी में? बहुत स्पष्ट बात है मेरी ना वही गलती हो गई, बहुत स्पष्ट बात है मेरी और मेरे नेता की, अपराधी के साथ अपराधी जैसा सलूक हो। सर, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, आप भी मानते हैं चाचा जान नहीं समझ पाए? जब से हमारे नेता के हाथ में बागडोर है और मेरे नेता के ऊपर एक भी मुकदमा हो तो बताइए आदरणीय अखिलेश चाह रहे सर, उनका क्या, जिनके मैंने आपको नारे सुनाए बीएसपी वाले क्या कहते थे आप लोगों के लिए? इस देश में नेता कोई हो तो बताने का काम करिए। गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, कुछ इस तरह का थाना सर नारा मैंने इसलिए जिक्र किया था। एक सेकंड त्रिपाठी साहब, पूछिए एक सेकंड सर, आपके साथ है तो एक सेकंड सर, एक सेकंड त्रिपाठी साहब, चलिए आप ही समझा दीजिए। लोकतंत्र है, कौन किसके साथ है? एक सेकंड सर, ये लोकतंत्र ही है कि यहाँ पर गुंडे भी जो है विधायक बन जाते हैं, और बलात्कारी भी जो है वो कानून बनाने के लिए संसद में पहुंच जाते हैं। सर, यही तो लोकतंत्र है। एक सेकंड त्रिपाठी साहब, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आयुक्त अभियुक्त थे माया सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, याद है आपको? जी याद है अच्छी तरह। ये भी याद है कि बीजेपी ने उनको गले लगा लिया था? उनको गले तो नहीं लगाया था। अच्छा, और ना गले लगाने की कोई बात थी। अच्छा, अगर गले लगाया होता तो उनको लड़ाया होता, उनको लड़ाया तो नहीं। अब क्योंकि योगी जी ने कहा था कि अगर वो आते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जिन कुशवाहा को वोटों की राजनीति की वजह से बीजेपी में शामिल किया गया, पार्टी में खुद इस मामले को लेकर दो फाड़ हो गई, हुई ना सर? नहीं, ऐसी बातें नहीं है कि दो फाड़ हो गई और क्या हो गया। सर, योगी जी ने कहा था ना कि पार्टी छोड़ देंगे कुशवाहा अगर पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया तो। अब ये विषय तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, कि इस तरह का कोई बयान आया था? अच्छा, लेकिन वो आए थे और उनको हमारी पार्टी ने कोई बहुत सम्मान नहीं दिया, वो मिलना चाहते थे। अच्छा, बहुत सम्मान नहीं दिया, थोड़ा सम्मान दे दिया। चाहते थे, हमारी पार्टी ने उनको लड़ाया नहीं। पार्टी ज्वाइन कराने और लड़ाने में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है। माननीय विधायक जी, बहुत अंतर है। जो जिसको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, स्वागत है आपका, कार्यकर्ता बना, लेकिन जो अच्छे चरित्र के लोग, चाल चरित्र के लोग, उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत गुलामी, और फिर आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है त्रिपाठी साहब, अगर फहरिस्त खोली जाए ना बीजेपी में, इस वक्त सारे वही धागी नेता है जिन पर आप लोग आरोप लगाते थे। पता नहीं कौन सा सर्फ एक्सल यूज करते हैं, समझ में नहीं आता कि सारे दाग जो है वो पूरी रात भर में धुल जाते हैं और सुबह जो है बिल्कुल क्लीन वाइट। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जब संवैधानिक चीजें है कि जब तक अपराध घोषित नहीं होगा तब तक वो अपराधी नहीं होगा। तो क्यों बोलते हैं आप इसे अपराधी है? आप लोग बयानों में क्यों बोलते हैं कि अपराधी है? पहली बात, लेकिन अगर अच्छे लोग आ रहे हैं राजनीति में तो उनका सम्मान होना चाहिए। सर, वो अच्छे लोगों की परिभाषा ही तो समझ रहा हूँ मैं आपसे, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपसे मैं वही तो परिभाषा समझ रहा हूँ। कल तक आपने जिनको गुंडा कहा, आप उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और कहते हैं कि देखिए दाग अच्छे होते हैं।
कहां कह रहे हैं कि दाग अच्छे होते हैं? मैंने कहा ना कि दो कारण है, एक तो आपराधिक चरित्र और आपराधिक इतिहास और एक राजनीतिक कारणों से आपराधिक, तो दोनों का जब तक दोनों का अंतर नहीं स्पष्ट होगा ठीक, आप दोनों का अंतर, अंतर समझाएंगे आप हमें कि बहुत से एके मिश्रा साहब जो ये दलीलें दी जा रही हैं यहाँ तो फिर हमाम में सब नंगे हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि भैया आपके दाग हमारे दाग से ज्यादा अच्छे हैं। नहीं नहीं चावला जी, ये सारे उदाहरण देखिए मैं आपको बता दूं, और इसीलिए मुझे कोई होप नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी मिलके इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकाल लेंगी। इसका तो सिंपल सा ये है कि जी मैं कम अपराधी हूँ, आप बड़े अपराधी हो तो आप जेल जाओ, आप छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को केवल सेल्फ डिफेंस करने के लिए सारी पार्टियां कर रही। त्रिपाठी जी को मैं बताना चाहूंगा सर, अगर आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि आपकी पार्टी टॉप पे है। यही हालत सपा बसपा के बारे में भी कमेंट मिलेगा। ये जो 3P है, पैसा पावर और मनी, इसका कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ऐसा बना लिया है। आपको याद रखना चाहिए कि एक भी करप्ट आदमी अगर गवर्नमेंट सिस्टम में घुस गया, सुन लीजिए सुन लीजिए त्रिपाठी जी सुन लीजिए, जैसे एक स्वाइन फ्लू के मरीज को आइसोलेट करके रखते हैं वैसे ही आप लोगों को इन बागी दागी लोगों को जो है आइसोलेट करके रखना चाहिए। 18-20% ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस के जो है मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप इसको भी लेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक या क्रिमिनल को भी अगर आप डिफाइन करते हैं तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं, इतनी बड़ी उनकी संख्या है और वो टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो कि नीचे के सारे पॉलिटिशियंस और सारे गवर्नमेंट सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं। एक भी दागी आदमी गया वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके पूरे सिस्टम को बता दीजिए कि कौन अपराधी गवर्नमेंट सिस्टम को हाईजैक किया वो चला रहा है सार। अरे सर हाईजैक करने का मतलब समझ लीजिए, एक उदाहरण दीजिए अभी कौन अपराधी व्यक्ति इतने सारे जो नारे चावला जी ने दिए उसका क्या मतलब है? मतलब चुनाव जीता जाएगा तो ऐसे ही जीता जाएगा कि गोली और बंदूक चला के? जब आप पैसा खर्च करते हो ये बूथ कैप्चरिंग होती है। मैंने अपना उदाहरण दिया कि आज के तारीख में भी। अरे सर मैं केवल अकेले आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ जनसामान्य की हो रही है। मैं केवल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे 325 में कम से कम 200 से ऊपर एक बात तो त्रिपाठी जी कर दिया ना भाई सही है। अगर आप राजनीति से गुस्से हैं एक सेकंड अखिलेश यादव मेरे ने और अच्छे लोग आ रहे हैं तो उनको एक सेकंड प्लीज गुंडा राज का नारा लगाने वाली बात। शुक्ला साहब सिर्फ गुंडा राज, शुक्ला साहब बीजेपी से ज्यादा तो बीएसपी वाले बोलते थे आपको गुंडा। और इसी आप टेंशन मत लीजिए, एक सेकंड जनता ने हमको समर्थन दिया, एक सेकंड माफिया राज समाप्त करने के लिए। एक सेकंड त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर बोतल में राम बिस्की में राम एक सेकंड को भाजपा शामिल करा रही है, एक सेकंड राम समाजवादी का है पार्टी में। नहीं शुक्ला जी इसमें राम को क्यों ला रहे हैं? एक सेकंड शुक्ला साहब एक सेकंड, कोई बात नहीं हुई ना। एक सेकंड सर अभी कार सेव के ऊपर गोली नहीं चलवानी, अभी रुक जाइए शुक्ला साहब एक सेकंड प्लीज। शुक्ला साहब राम के ठेकेदारों को बता, शुक्ला साहब एक सेकंड यार बिस्की के राम कहाँ गए? शुक्ला साहब एक सेकंड प्लीज, अभी कार से तो गोली नहीं चलवानी, आप समझिए एक सेकंड प्लीज। ऑडियो नीचे रखिए, ऑडियो नीचे रखिए। नकवी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड। सैफ खां यहाँ किसकी मजबूरी है? चुनाव जीतने के लिए दागी जरूरी है? देखिए बहुत अफसोस की बात है, ऐसा है कि एक सेकंड सर आ रहा हूँ नकवी साहब, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। सैफ खां जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। जी बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में एक तो ये परंपरा रही है इस चीज की, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वो होता है। सवाल ये उठता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नंबर वन पे है, किसके ज्यादा दागी जो लोग हैं, अच्छा। किसके मिनिमम लोग और किस पे क्रिमिनल केसेस जो है एक्सट्रीम वाले हैं, क्योंकि डिपेंड करता है क्रिमिनल केसेस। अच्छा इसलिए आज से तो आप तो बहुत कम होंगे नंबर सर। तो हम मैं बोल तो रहा हूं आप तो संसद में भी कम है के ऊपर है आपके विधायक भी कम है। मैंने आपको इसलिए इतिहास से ही शुरुआत की थी 2004 से। मैं अभी जो आपके सामने ये आंकड़े रख रहा था और रखता आ रहा हूं वो इसलिए भी रख रहा हूं कि मौजूदा जनता को जो है झूठ बोला जाता है। और क्यों नहीं बोला जाता उसके बहुत बड़े मौजूदा एग्जांपल है। हमारे प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश ही की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जो है सपा के साथ कंपैरिजन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उत्तर प्रदेश में जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी उत्तर प्रदेश में कन्वेंसिंग करने आते हैं विधानसभा के इलेक्शन से पहले, तो बहुत सारे आंकड़े जो है उत्तर प्रदेश के क्राइम केसेस के बारे में रखते हैं। जो वो आंकड़े जो है अगर आप लगा सकते हैं तो, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 13 मर्डर होते हैं,
33 अबडक्शन होते हैं यानी किडनैपिंग्स होती हैं, 19 के करीब जो है वो राइट्स होती हैं यानी दंगे होते हैं। ये जो आंकड़ा है ये प्रधान सेवक की तरफ से इलेक्शन के टाइम के ऊपर दिया गया है, वो कोई भी जो है गूगल के ऊपर जाके अब जो है वो सुन सकता है, ये वो आंकड़े थे। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर समाजवादी सरकार की जब टेन्योर की बात कर रहा हूं तो 22वें नंबर पे था क्राइम की केसेस के ऊपर, आज वो टॉप द चार्ट कर रहा है, इस वक्त उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, यानी 45% के करीब जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। ठीक, पुलिस की व्यवस्था आप देख, बहुत छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, डायल 100 यहां पहले 15 मिनट में आ जाती थी, आज वो पूरे 25 से 30 मिनट में आ रही है, लेट हो रही है व्यवस्था है। यानी अगर किसी जनता को या किसी को भी इमरजेंसी और वो डायल 100 नंबर पे कॉल करते जो पहले 15 मिनट में आ जाते थे वो आज जो है 25 से आपने ट्राई किया क्या? क्रिमिनल केसेस और कॉन्स्पिरेसी अगर आप वो देखें तो टॉप ऑफ द चार्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, यानी मोदी जी अगर चाहें हमारे प्रधान सेवक चाहें तो उसके ऊपर कोई अमिटमेंट ला सकता ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड नकवी सर, एक सेकंड, उन्हीं कोई एक सेकंड, एक सेकंड इसमें कि जिनके ऊपर ऐसे एक सेकंड प्लीज हाईएस्ट प्लीज एक सेकंड केसेस हैं प्लीज वो लोकसभा या विधानसभा ठीक है, ठीक है नकवी सर, एक सेकंड साहब का होगा प्लीज, फोर्स के साथ ये कह रहा हूं साहब का प्लीज, प्लीज मैं अब फिर साहब का प्लीज सर प्लीज एक सेकंड त्रिपाठी साहब, नकवी जी सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये अध्यादेश राजनेताओं के चरित्र हनन का जिक्र यहां पर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक अध्यादेश लाकर जो है मिसाल पेश कर दी जाए बात ही खत्म? नहीं तो फिर यही होगा ना कि भैया सब राजनेताओं की मजबूरी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस मामले में पार्लियामेंट को विचार करना होगा। मैं दो तीन बातों पर ध्यान दिलाऊंगा जिस पर बात नहीं हुई जी। पहले एक तो यह है कि जो पार्टीज के जो लीडर है वो डिक्टेटर हो गए हैं, वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। दूसरी जनता की तरफ हम ही देख रहे हैं कि आप देखिए त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर सरकार जैसा ऑनेस्ट आदमी हिंदुस्तान में कोई नहीं था, वो इलेक्शन हारा। मनमोहन सिंह को ईमानदार लोग मानते हैं और सही बातें भी ईमानदार रहे, वो कोई इलेक्शन नहीं जीते पार्लियामेंट का, वो राज्यसभा के थ्रू आए। तो समाज का ये जो अप्रोच है इसमें मामले में लोगों को सोचना होगा, हमारी आवाम को समझना होगा कि हम क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को न जिताएं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सारे इलेक्शन जो हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है पार्टीज में उसका बेसिस होता है कास्ट, उसकी कम्युनिटी, उसके अंदर ये बिल्कुल भेदभाव खत्म हो जाता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। इसलिए कास्टिज्म कम्युनलिज्म जब तक हमारे समाज में कम नहीं होगा हम इस बीमारी से जूझते रहेंगे और क्रिमिनल लोग आगे रहेंगे। आपकी बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं एक बात एक सर एक मुकदमा आपके पास आपकी अदालत में आया, मैं आपसे इस नजरिए से समझना चाहूंगा। जी, जी। एक राजनेता है वो आपराधिक नजरिए से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो क्या आप ये देखकर तय करते हैं कि भाई ये राजनेता इसके ऊपर जो है साजन आरोपी लगाया गया होगा, या फिर जो हमें बताता है आईपीसी बताती है आप उसी हिसाब से जो है काम करते हैं? देखिए हमारे हाईकोर्ट में एक ऑर्डर हो चुका है जो क्रिमिनल लीडर जो लीडर्स हैं जो एमएलए एमपीज हैं उनके एक अलग कैटेगरी बना दी गई है कि उनके मुकदमों को जल्दी तय किया जाए। और इसके मामले हमारी अदालतों में ये बात सही है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि कोई लीडर है या बड़ा आदमी है, समाज का एक ही फोरम बचा है वो है अदालत, जहाँ एक कमजोर और ताकतवर आदमी बराबर खड़े होते हैं। सर वो ट्रैक कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं सर, आप सामने खड़े हो सके सर, वहाँ पर जिस तरह की ढिलाई अभी बढ़ती जा रही है और इसको लेकर भी एक सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे पूछूंगा लेकिन जो कुछ आंकड़े मैं दिखाना चाह रहा था पहले, फिर मैं त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी, 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 दाग जरूरी है का जिक्र इसलिए यहां पर हो रहा है कि कुछ आंकड़े अब हम आपके सामने रखेंगे। ये कहानी 2007 से शुरू होती है, मैं यूपी का जिक्र कर रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास सबके पास यूपी के आंकड़े में रखने जा रहा हूं। ये आंकड़े हैं 2007 के जहां पर 35% विधायकों पर मुकदमे दर्ज थे, ये हम 2007 का जिक्र कर रहे हैं, और फिर 2012 के आंकड़े भी हम आपको बताते हैं जहां पर 47% जो है ज्यादा विधायकों पर मुकदमे दर्ज हुए 2012 जब सपा की सरकार थी। 2012 की विधानसभा में बीजेपी के 53% त्रिपाठी साहब याद रखिएगा 53% और सपा के लगभग 49% जो है विधायक दागी थे, कांग्रेस के 46% विधायक उस वक्त दागी थे, और बीएसपी का जिक्र करें तो 36% के आसपास विधायक दागी थे। 2017 का जिक्र कर लेते हैं, 2017 में यूपी के 248 एमपी एमएलए पर 565 मुकदमे दर्ज हैं। त्रिपाठी साहब पार्टी विद द डिफरेंस, दागियों में कैसा डिफरेंस? देखिए त्रिपाठी साहब जी जी सर मैंने कहा पार्टी विद द डिफरेंस, दागियों में क्यों डिफरेंस?
कोल्ड जोन। नहीं दागी की बात मैंने फिर को ही कहा, बार बार घुमा देते हैं विषय को। मैं एक बात कहता हूँ कि जरा आप उन दागियों में एक चीज का एनालिसिस कर लें कि देखिए अभी हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि किसी भी अपराधी मुकदमे में ट्रायल में मेंसीरिया देखी जाती है कि जिस समय क्राइम होता है उस समय उसकी मेंसीरिया क्या थी, तो मेंसीरिया और साक्ष्य के आधार पर ही सजा करते हैं ये। तो अगर जितने भी इस तरह के राजनीतिक लोगों पर आपराधिक मुकदमे हैं उसमें देखना, जब न्यायालय में ट्रायल होता है तो मेंसीरिया देखी जाती है और गवाही गुजरती है। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं है कि राजनेता किसी भी राजनेता को फंसाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराएंगे। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि एक बार डिफाइन होना चाहिए और आप जान लीजिए और माननीय जज साहब से भी इस पर इसको क्लियर करने के कि आपराधिक मुकदमों में मेंसीरिया देखी जाती है कि जिस समय वो अपराध होता है उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या अच्छा? सडन था क्या, हमने योजनाबद्ध तरीके से करा के तो यानी संगीन अपराध कौन सा है और छोटे मोटे अपराध कौन से हैं, उस हिसाब से जो है पार्टी में ये तय हो जाए कि कौन ज्यादा दागदार है। बहुत सी चीजें तय होती है। अच्छा, जब आप लोग रैली में खड़े होकर बोलते हैं कि देखिए वो घोटालेबाज है, उसने घोटाला किया है, उसने लड़की का रेप किया है, फिर कौन से सबूत चाहिए तो आपको? आर दी ला फ्रेमर्स, जिसने किया उसके ऊपर कहा जाता है, जिसने सर मैंने आपसे सीधा पूछा, जब आप लोग राजनीति में खड़े होकर एक मंच से ये बोलते हैं कि देखिए वो आरोपी है, उसने भ्रष्टाचार किया है और उसने रेप किया है बच्ची का, देखिए जिनके ऊपर वो कौन सा सबूत होता है आपके पास? प्रॉब्लम ये है, जब उनके ऊपर आरोप प्रॉब्लम ये है सर, वो अगले दिन आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लोगों के खिलाफ गवाही नहीं मिलती, जब उनके ऊपर आरोप होता है तब हम उनको हत्यारा कहते हैं, चाहे उनको जी आपकी जो बातें सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट, जिनके जो सीएम है वो उत्तर प्रदेश में हर जगह जा जाके झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, झूठ बोलने की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी से सीखनी पड़ेगी हमें, इसकी चीज की समीक्षा करनी चाहिए कि कौन जो है साफ सभी का है, कौन क्रिमिनल। आप लोग उसकी जगह एक सेकंड पे ये मिलता है शुक्ला साहब, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवाही नहीं मिलती सर जी, सबसे मुश्किल सर जो प्रॉब्लम है हमारे एमएलए साहब बात रख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में, जो ताकतवर लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं वाकई, नकवी साहब मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक विधायक जी को, एक नेता जी को सजा मिली 3 साल की, उसके बाद कोर्ट के सजा देने के बाद सदन को उनको बर्खास्त करना चाहिए था। अब देखिए नेताओं का क्या रोल है, चावला जी मैं वही बोलता हूँ कि आप इन नेताओं को ही जज बना रहे हैं तो ये कैसे प्रॉब्लम दूर होगी, सदन ने उसको जो है बर्खास्त किया ही नहीं और उसकी सदस्यता चलती रही, मतलब वो अपने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे गवर्नमेंट को बड़े मतलब एक तल्ख टिप्पणी की थी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये बोला था कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की सीमा को लांघ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाया। अब सवाल ये है 35% जहां सारे नेता जो कानून बनाने वाले हैं वो अगर ये कानून बना दे तो संसद और विधानसभा तो खाली हो जाएगी, तो कोई अपने गले में फंदा क्यों डालेगा? मैं आप सभी से लूंगा, त्रिपाठी साहब मुझे 20 सेकंड में यह समझाइए कि होना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? त्रिपाठी साहब मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होगी आप तक, सॉल्यूशन आपको देना है, आपसे उनके पास शायद आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, जब मुद्दे की बात होती है तो आवाज गायब हो जाती है बीजेपी नेताओं के कानों से। शुक्ला साहब आप समझाइए, आप तक तो आवाज पहुंच रही है, 4 उदाहरण दे दीजिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल पहुंच रही है और मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी का भी मानना है कि जो अपराधी है उसके साथ अपराधी जैसा सलूक करना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और वो कौन अपराधियों के साथ अपराधी जैसा सलूक करना चाहिए, और वो जो कहते हैं मंच से खड़े होकर की जवानी में गलती हो जाती है, वो जो कहते हैं जवानी में गलती हो जाती है, दल का किसी भी राजनीतिक दल का नेता, ठीक है के मिश्रा करना क्या चाहिए? नहीं देखिए मैं आपको बता दूं मुझे नेताओं से, वो चाहे संसद में बैठे हो, इन सब चीजों पे कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है, कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ने कई बार किया, कोर्ट के आदेश पे अभी महाराष्ट्र और